इट्स मिस्टीरियस कॉन्स्पिरेंसी जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग शॉक गए हैं। एंड थंबनेल से तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, द सिम्पसन्स। वेल, मैंने कभी ये शो नहीं देखा, बट स्टिल आई नो अबाउट दैट शो क्योंकि इंटरनेट पर इसके अराउंड वीडियोस एंड रूमर्स फैलते रहते हैं। Five times the Simpsons predicted the future. The Simpsons predicted. Simpsons predicting the future. Been asking how the Simpsons. So you might be wondering what is this Simpsons after all? तो Simpsons एक कार्टून शो है जो 1989 में यानी आज से लगभग 35 years पहले मार्केट में आया था। इसके टोटल 33 seasons थे और Simpsons famous था अपने future predictions के लिए जो कि वो सालों से करता आया है। आई मीन इस शो में 40 प्लस फ्यूचर प्रेडिक्शंस किए गए, और हाँ ऐसे वैसे प्रेडिक्शंस नहीं, माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शंस। और जब तुम इस शो की प्रेडिक्शंस को देखोगे तो तुम भी एक बार सोचोगे कि भला कोई इतने सालों पहले इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकता है। और इसी वजह से इंटरनेट पर इसके अराउंड काफी सारी थियोरीज भी आती रहती है। क्वीन एलिजाबेथ की डेथ एंड गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग एंड 9/11 पहले से ही प्लान था, ये उसके कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शंस हैं। लेकिन हाँ, कुछ कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे भी हैं जिसे देखकर तुम कह सकते हो कि ये तो बस एक इत्तेफाक था। लेकिन हाँ, कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे भी हैं जो स्टिल पेंडिंग हैं इन रियल लाइफ। और आज की वीडियो देखने के बाद तुम्हारे मुंह से भी सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि वेल, सिम्पसन्स का कौन सा प्रेडिक्शन सच होने वाला है, इससे रिलेटेड इंटरनेट पर आपको भारी मात्रा में वीडियोस एंड आर्टिकल्स मिल जाएगा। बट द मेन क्वेश्चन इज कि सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता कैसे है, और या फिर इसने कभी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया ही नहीं, ये सब बस एक इत्तेफाक है। बट डोंट वरी, वी विल फाइंड। सिम्पसन्स फ्यूचर प्रेडिक्ट करता कैसे है ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसने आज तक कौन कौन से फ्यूचर प्रेडिक्शन किए हैं और एकदम एक्यूरेट किए हैं। नंबर वन, कोविड-19। वेल, वी ऑल नो दैट दिसंबर 2019 में कोविड-19 ने पूरी दुनिया की जी फाड़ के रख दी थी। बट सिम्पसन्स ने 1973 में ही दिखा दिया था कि दुनिया में कोरोना वायरस आने वाला है। सिम्पसन्स के एक एपिसोड मार्च इन चेंज में दिखाया गया है कि कैसे एक फैक्ट्री में रहने वाले एक वर्कर को फ्लू होता है और इस वर्कर के जरिए ये वायरल फ्लू पूरी दुनिया में फैल जाता है। एंड यू नो दैट कि यहाँ सेम सिनेरियो 27 साल बाद कोविड-19 के रूप में दिखा। चाइना के एक वर्कर को फ्लू हुआ और ये पूरी दुनिया में फैल गया। वैसे इस कार्टून शो में इस बीमारी को ओसाका फ्लू नाम दिया गया है, बट ये काफी ज्यादा रिलेटेबल है। नंबर टू, डोनाल्ड ट्रंप। वेल, आप सब जानते हैं कि ट्रंप यूएस के फॉर्मल प्रेसिडेंट थे। दिसंबर 2016 में ट्रंप एंड हेनरी क्लिंटन इलेक्शंस में खड़े हुए थे एंड ट्रंप इस इलेक्शन को जीतकर यूएस के 45वें प्रेसिडेंट बने थे। बट इस बात से 16 साल पहले ही सिम्पसन ने दिखा दिया था कि ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। 19 मार्च ईस्वी सन 2000 एक एपिसोड जिसका नाम था बार्ट टू द फ्यूचर, एंड इसमें दिखाया कि ट्रंप का एक औरत के साथ इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन में जीत कर प्रेसिडेंट बन गए। बट 2000 में ट्रंप एक बिजनेस टाइकून एंड रियल एस्टेट बिलियनर थे जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। तो इस सिम्पसन्स वालों को आखिरकार पता कैसे चला कि इन फ्यूचर ट्रंप इलेक्शंस में खड़े होंगे एंड यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। नंबर थ्री, कोबी ब्रायंट। ये बंदा यूएस का सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर था। 26 जनवरी 2020 को कोबी एक हेलीकॉप्टर से कहीं तो जा रहा होता है, बट धुएं की वजह से इसका हेली कैलिफोर्निया की पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है एंड इसकी वजह से कोबी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। रियली अनएक्सपेक्टेड, बट बिलीव मी, सिम्पसन्स ने 1993 में ही इसकी प्रेडिक्शन कर दी थी। 6 मई 1993 को सिम्पसन्स सीजन 4 एपिसोड मार्च इन चेंज में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दिखाया गया है। इवन उसके अंदर एक बास्केटबॉल प्लेयर भी दिखाया गया है जिसका नाम है कोबी। तो इन दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। Well, देखने जाए तो यहाँ पर 40 प्लस predictions और है, बट एक एक करके ये सारे predictions मुझे तुम्हें बताने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। So, तुम चाहो तो इसके अराउंड आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ बॉस, एक बात का खास ध्यान रखना, सभी आर्टिकल्स पे भरोसा मत कर लेना। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो हम इसका सेकंड पार्ट जरूर लाएंगे।